आज शाम के इवनिंग स्नैक के लिए मम्मी ने सोचा कि कुछ बनाते हैं, तो उसके साथ हमें नारियल की चटनी बनानी थी। तो हमने एक नारियल ले लिया, उसको निकाल लिया और उसके बाद उसे ग्रेट किया। सारे नारियल को ग्रेट कर लेना है, पूरा एक नारियल लिया है। आप डिपेंड कर सकते हैं, आप दो का बना सकते हैं सेम उसके, बस थोड़ी क्वांटिटी डिफरेंट कर देनी है। अब सारे नारियल को हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, उसमें थोड़ा सा जीरा बिना तेल के थोड़ा रोस्ट करना है, ये ब्राउन हो जाए। तो अब हम इसमें हल्का इसको ब्राउन होने देना है, उसके बाद फिर इसमें ग्रेटेड जो कोकोनट था वो डालेंगे। अब इसे चलाते रहिए क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है तो ये चिपकता है, तो इसको कंटिन्यूस चलाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक टमाटर और वो भुंजे वाले चने जो होते हैं उसके छिलके उतार के, वो एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च। अब इसको फिर चलाना है, और इसको तब तक चलाना है ना जब तक ये ब्राउन, इसे जब तक चलाना है तब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए, अब देख रहे होंगे आप नारियल का कलर थोड़ा ब्राउन हो रहा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मतलब ये रेडी है। अब हमें क्या करना है कि इसे बंद करेंगे, फ्लेम को ऑफ करेंगे और ये गोल्डन ब्राउन जो है इसको ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसको मिक्सर बॉल में निकाल लेंगे और इसका पेस्ट बनाना है, पूरा प्यूरी बनाना है। इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी थोड़ा नमक भी ऐड किया हमने क्योंकि उस समय नहीं किया था, अब बाद में। हमने छौंक लगाने के लिए गरम तेल में जीरा डाला है, जीरा ब्राउन हो जाए तो उसमें हम ऐड करेंगे मस्टर्ड सीड्स और उसको भी थोड़ा ब्राउन होने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च और उसके बाद ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, इससे टेस्ट और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है चटनी का, इसलिए हमने ऐड किया है। और आप अपने मतलब हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कड़ी पत्ता स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था नारियल का वो ऐड कर दिया है, हमने नमक पहले ऐड ऑन कर दिया था इसलिए हम दोबारा नहीं डालेंगे। आप इस वाले स्टेप पे भी नमक डाल सकते हैं। और ये मतलब तैयार हमारी है, चटनी चटनी रेडी हो गई है और हमने इसे ढोकला के साथ बनाया था आज इवनिंग स्नैक पे। आप किसी भी चीज़ के साथ बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है ये, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, हेल्दी है बहुत। और आज की रेसिपी इतनी ही थी, नेक्स्ट टाइम कुछ और लाएंगे।